ना कर यार, छानू तू कर रहा है काम। अबे मोटे सही किया, शहजादा लगा यार इसको काम करने के लिए। गाइस ये देखिए अब कई वगैरह काम, इधर मेरी खाला वगैरह भी आई हुई है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया ना द ब्लॉग के अंदर। जल्दी जल्दी चैटी फैमिली गैंग को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करो। तो गाइस अभी फिलहाल जैसा कि मैंने बताया था कि यार मेरी बहन की है शादी, ठीक है, मेरे ताया की बेटी की शादी है, तो भाईजान इधर आए हैं कुछ सामान लेने के लिए। आज से शादी हो रही है स्टार्ट, ठीक है, तो आज छोटा सा प्रोग्राम वगैरह किया है, आज ढोलकी वगैरह, ठीक है, तो कुछ सामान लेना था। हमने क्या यार बोतलें शोतलें पिला के मेहमानों को बीमार जरूरी करते हैं, मीठा पानी बना के पिला देते हैं। तो गाइस चीनी इधर साथ मेरा ये कजन आया, सही है, हाँ मीठा पानी बना के बना देना, और साथ जो मेरा कजन है अंदर, सही है, वो जो सामान वगैरह निकला रहा है, तो वो भी जल्दी चलते हैं। बस आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करने, आज से हमारी स्टार्ट हो गई है शादी यार, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करने। आज से मैं आपको दिखाऊंगा यार गाँव में शादी किस तरह होती है, ठीक है, सबको दिखाऊंगा, बस जाने को इसको सब्सक्राइब कर लो। अभी चलते जल्दी अंदर अंदर सामान लेते हैं, अभी हमने टेंट वगैरह भी लेने कुछ, तो चलते हैं। तो गाइस इसके ना चोट लगी थी कल ना, किस कैसे लगी थी बताओ? सोफे के नीचे, हाँ सोफे के नीचे, सोफे उठा रहा था तो सोफे के नीचे आके ना चोट लगी थी, तो कल हम गए थे पट्टी वगैरह कराने, तो भी चलते हैं जल्दी। हुआ टेंट वगैरह ले लेते थे कुछ, ठीक है, तो टेंट वगैरह उठाते और चलते थे। कितने लेने हो? साइज बता रहे हैं 18 फुट का जहाँ हमने लगाना है, ठीक है, तो इतना नहीं करना, मेहंदी के लिए लगाना है बस। वो देखे गाइस किस तरह जाके बैठ गया, घर में इज्जत नहीं होती, इधर देखो चेयर पे बैठोगे। तो भाई अभी ना हमें टेंट मिले नहीं है, जा रहे हैं भाई भी उठ के। अरे यार टेंट का मतलब ये था, वो कह रहे हैं दोपहर के बाद में ले लेना, क्योंकि उनके भी शादी है ना इधर, तो टेंट वगैरह उधर सामने लगाए मुझे लगता है इन्होंने। तो अभी भाई बात कर रहे हैं मेरे, तो उधर अभी मुझे ना नहीं मिले, तो घर जाना होगा। चल तो अभी ना मेरा कज़न ना दुकान पे आया, ये है इनकी दुकान, ठीक है, मेरे कज़न वालों की वेल्डिंग की, तो आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अदनान और इस्माइल स्टील, और इस्माइल मेरे तैयब हुआ, हमारी बस्ती का नाम भी इस्माइल पूरी है, ठीक है। तो भाई इससे पूछते हैं ये कौन सी जगह है और किधर है, बताओ जी। ये है जी, ये है जी, नहीं कल कल नहीं आना, उन्होंने आज ही देख लेना, चल बोल जल्दी। अच्छा शर्मा इधर है कि तेरे को रिश्ता मांगने। तो गाइस मैं अभी अंदर जाके आपको ना पूरा टूर कराता हूँ शो अंदर दुकान का, ठीक है। तो ये दुकान जितनी भी है ना ये लंबाई में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये इन्होंने रखे हुए हैं काम करने वाले, ठीक है, तो क्योंकि हमारे घर में शादी है, अभी कर रहे हैं काम वगैरह, ये कुछ ना कुछ, ये देखे ये पीछे सारा इन्होंने ना स्टाफ वगैरह रखा हुआ है अपना जितना भी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरह मुश्किल काम होता है ये, ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम है। अभी फिलहाल इधर आए हुए हैं हम, कटिंग शटिंग करवानी है, आप लोग देख सकते हैं कि जिशान इधर कटिंग करवा रहा है, तो अभी मैंने भी कटिंग वगैरह करवानी है, क्योंकि बाल वगैरह थोड़े से खराब थे, ऊपर से पता है आप लोगों को शादी वगैरह भी आ चुकी है, उससे में हमने टेंट वगैरह ले गए तो घर लगा दिए थे, अभी हो चुकी है रात, अभी जल्दी जल्दी कटिंग शटिंग करवाते हैं, चलते हैं घर, और आपको पता है गाँव में घर है तो जाना मुश्किल होते थे रात को, तो जल्दी अभी कटिंग शटिंग करवाते हैं, ठीक है। One hour later. तो गाइस फाइनली कटिंग सेटिंग करवा दी है, ठीक है, तो फाइनली लुक मैं दिखा देता हूँ अपनी,
ये है फाइनली लुक मेरी। और अभी निशान करवा रहे हैं, जो है लगवा रहे हैं, सही है, तो जल्दी ये करवा ले, तो घर वगैरह चलते हैं। A few moments later. अभी हो चुकी है सुबह, तो उस टाइम मैं आ चुका था, सही है, क्या कटिंग शटिंग करवा के, तो अंधेरा हो चुका था, व्लॉग शो नहीं बना। तो गाइस सुबह सुबह आज है मेहंदी, तो ये मेरा कजन है उमर, इसने भी छुट्टी की हुई है, अब्बू जा रहे हैं सुबह सुबह क्रा वगैरह लेके। आज आप लोगों को पता है कि शादी वाले दिन बड़े काम होते हैं यार, आपका भाई सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करेगा, और मम्मा इधर कर रही है गाय शाही को पानी शानी पिला रही है, ठीक है, तो अभी ना बल्कि पानी क्या पिलाना है मम्मा पता नहीं क्या करे, मम्मा मुझे लगता है मम्मा क्या कर रहे हो, पट्ठे दोबारा पान गए, तो गाइस मम्मा ना चारा चारा पट्ठे एक पांच का बढ़ दे, चलो ठीक है, तुसी ना शाम में बढ़ लांगे, क्योंकि आज शादी मेहंदी वा, चलो ठीक है, शादी है, दे दो ना पन्नी, तो नहीं ना पट्ठे अभी ना चारा वगैरह लेने जा रहे हैं, सही है, खेतों में, तो अब्बू भी उधर है, तो काम वगैरह करने, अभी आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा काम है, तो चाचू भी देख सकते हैं, अभी ये मेरे चाचू है, ठीक है, तो गाइस ये ना चाचू मेरे चकवा रहते हैं, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कितने हैंडसम चाचू है, तो अभी जा रहे हैं हम उधर खेतों में काम शाम करने, तो आप लोगों ने बस ना वीडियो को लाइक करते जाना और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, और मुझे बताना है कि मतलब मेरे चाचू की एज बताना है कमेंट में, ठीक है, क्या होगी, और जो सही बताएगा ना मैं उसको स्पेशली मेंशन करूंगा और उसकी वीडियो पे लाइक भी करूंगा, सही है, तो लाजमी बता के जाना है मुझे। फाइनली इधर पहुंच चुके हैं, पल्ली को इधर फेंकते, ये देखे इसके अंदर ही दाती पड़ी है, अब्बू ने इधर ना ये जो हमने इधर ना कल यार बारात का निजाम इधर किया हुआ है हमने, ठीक है, तो अब्बू इधर ये कर रहे हैं रूढ़ी वगैरह ना, जो गोबर वगैरह ये इधर कर रहे हैं, क्योंकि उधर से गुजरने का कहीं मैं तेरा नौकर है कहीं ला गया है, ये देखा हुक्म कैसे चला रहे हैं नवाब गाइस। अच्छा गाइस, और ना यार मेरी ना कटिंग सही नहीं हुई, ये सब और सब इसके लिए, इसकी वजह से हुआ, नहीं इसको कह, ये साथ है मेरे, ठीक है गाइस, आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, उस भाई को मैंने कहा था यार नीचे नीचे मशीन लगा दो, भाई ने तो गंदी मार दी यार, ये देखो ऊपर मशीन सारी लगा दी, किसी काम के बाल नहीं लग रहे मुझे, तो और 1000 रुपए लिया यार, इतने ज्यादा पैसे ले लिए और काम भी ठीक नहीं किया, बस यार क्या बताऊं। और गाइस अभी चाचू ना कटिंग शटिंग करवाने गए हैं, क्योंकि चाचू के ना थोड़ा सा, चाचू मेरे बहुत हैंडसम है भाई, ये सिर्फ और थोड़ी दाढ़ी वगैरह बड़ी हो चुकी है, वो भी आज सही जबरदस्त कर गया और हीरो लगेगा चाचू मेरे, ठीक है, तो अभी चाचू कटिंग शटिंग करवाने। One hour later. तो गाइस ये ना हम इनको दूध वगैरह सेल करते, ये दोजी जा रहे हैं हमारा, ठीक है, दूध वाला, दूध वाले को दोजी बोलते, दोजी दोजी। तो गाइस अब बुना जल्दी ये साफ कर दी, काफी हद तक करा डाला हुआ है ट्रैक्टर के पीछे, तो बस ये ना ये बिल्कुल साफ कर देंगे, और कुछ रह जाएगी और कई लेके आ रहा है वो देखे मेरा कजन, तो बाकी कई कहते हैं ये तो पीछे हाथ बांध के हुए काम कर ले आलस के मारे, अच्छा इधर ही रुक जाए, ठीक है, वैसे ये कोई काम नहीं करता, अब्बू देखे अब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कई वाला काम भी मैंने और वो जो तो जल्दी अब चला रहे करा आराम आराम से ना, क्योंकि आराम आराम से चलाएगी ये अच्छी तरह बिल्कुल कवर हो जाएगा सारे करा के अंदर, तो अभी देख ना कर यार छानू तू कर रहा है काम, अबे मोटे सही किया शहजादा लगा यार इसको काम करने के लिए। गाइस ये देखे अब कई वगैरह काम कर रहे हैं, माशाल्लाह शहजादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यार फ्री खड़ा था ना तब का, अब्बू उधर खड़े हो गए, ठीक है, तो क्योंकि अब्बू का काम खत्म हो चुका है, तो अब्बू क्या करेंगे कई के साथ सारा काम, अब इसने करना है, तू नहीं करना है बेटा, और चारा चारा भी आज तूने खाना है, गाइस पूरा दिन फ्री रहता है, ठीक है, घर बैठा रहता है सोता रहता है, आज इससे काम करवाते हैं। अभी हो चुकी है दोपहर और मैं इधर आया हूँ, साड़ी मेरी इधर, ठीक है, तो फोटोशूट करना था, मेरे पास आईफोन है तो आप लोगों को पता है इस पर फोटोशूट थोड़ा सा करना था, तो आज फुल इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिन हो गए थे कभी मतलब टाइम नहीं मिला था, कभी उधर काम होते थे, आज थोड़ा सा फ्री हुए तो हम इंजॉय करने आ गए, तो अमरूदों के पास आए हुए थे, क्योंकि मेरे जितने भी बहनें रहती है ना वो शहर में रहती है, तो वो उन गाँव का माहौल को बड़ा इंजॉय करवाती करती है, ठीक है, तो अभी आए हुए हैं सब, बेर वगैरह तोड़ रहे हैं, तो इधर मेरी खाला वगैरह भी आई हुई है। तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह और बकरी वगैरह बाहर निकाल के बांध दिए, और आज इतनी ज़्यादा सर्दी है ना यकीन करो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आज है बारात, और आपको यार मैं इसलिए उधर नहीं दिखाता हूँ क्योंकि जो मेरे कज़न वगैरह वो मुझे मना करते हैं कि व्लॉग भाई नहीं बनाना, तो भाई हमने लड़ाई लाजमी करनी, हमने नहीं बनाना तो फिर नहीं बनाना, ठीक है, तो गाइस अभी जानो शानो ये भी बाहर निकाल के हमने बांध दिया, ठीक है, अभी चारा चारा खाएंगे, धूप आप लोगों के सामने है, ठीक है, तो थोड़ी देर तक मैंने क्या करना है, इन्हें पानी शानी पिला कर उनकी जगह पे बांध देना है, और मुर्गे वगैरह को ऊपर से ना पल्ली वगैरह उतार दिया, और ये भी देखे बोलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो गाइस आज कल मैं इधर ही खत्म करता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है देहाती फैमिली गैंग को ज्वाइन कर लेना, बस इंशाल्लाह शादी से फ्री होकर तो प्रैंक लोग बहुत अच्छे अच्छे बनाया करेंगे, आप लोगों ने बस कमेंट में बता देना किस तरह का प्रैंक लोग आपको चाहिए, उस तरह का बन जाया करेगा, और गाइस तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, बाय 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 बाय।